उत्तराखंड के नैनीताल से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है। दो गांव में एक बड़ा हादसा देखने को मिला। खाई में 30 यात्रियों से भरी बस गिर गई है। दो लोगों को चोट लगा, बाकी ठीक है। हाँ निकल गए, एक दो तो लोगों को चोट लगी है। चलो बच गए यार, अनियंत्रित हो गए, ब्रेक फेल हो गए। अभी जानकारी मिल रही है कि इस बस का चालक फरार हो गया है। दरअसल हल्द्वानी से सवारी लेकर अल्मोड़ा को जा रही केमू की बस दो गांव के नजदीक अनियंत्रित होकर पैराफिट तोड़ते हुए खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि खाई की ओर पेड़ से टकराकर बस रुक गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। फिलहाल ज्योलीकोट और तल्लीताल पुलिस मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान कर घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाने में जुटी है। वहीं बस चालक फरार बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी से बस संख्या UK04PA0954 यात्रियों को लेकर अल्मोड़ा की तरफ जा रही थी। दो गांव के पास पहुंचते अचानक बस चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस सड़क किनारे पैराफिट तोड़ते हुए पलटकर खाई की ओर जा गिरी, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि खाई में पेड़ों से टकराकर बस रुक गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।